धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नए वर्ष की मंगल कामनाएं की है। नव वर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया और महाआरती हुई। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया है। यहां देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की है। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध दही घी शहद व शक्कर से बाबा को नहलाया गया है। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाया और भांग से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किए गए हैं, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई है। भस्मीभूत होने के बाद बाबा झांझ मंजरी ढोल नगाड़ी व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। नए साल की भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा है। किसी ने अपने परिवार के सुख शांति के लिए कामना की तो किसी ने देश के अमन चैन व समृद्धि को लेकर मत्था टेका। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि भगवान महाकाल के भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रातः काल से भगवान महाकाल की महापूजन अर्चन की गई है। पंचामृत अभिषेक किया गया, केसर युक्त जल से भगवान को स्नान कराया गया है। उसके बाद भगवान महाकाल पे भांग और मावे का श्रृंगार किया है और भगवान की भस्मी छानकर भगवान की महाआरती संपन्न हुई है। बाबा महाकाल का दरबार है। शास्त्र और परंपरा के अनुसार तो चैत्र प्रतिपदा के दिन नववर्ष मनाया जाता है, किंतु पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर आज नववर्ष है, इसलिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भी राष्ट्र की शुभ कामना और आने वाला समय मंगलकारी हो यह कामना की गई है। जय महाकाल। आज बाबा महाकाल के दरबार में 5 से 7 लाख भक्त लोगों की आने की संभावना है। आज प्रातः काल से ही लाखों भक्त लोग अभी बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग नियमित हरिओम जल चढ़ाने वाले दर्शनार्थी हैं और आज नए साल की नव वर्ष की शुरुआत हमारी महाकाल बाबा के दर्शन से ही होती है और हम ऐसी कामना करते हैं कि सभी चीज मंगलमय हो और भगवान की कृपा बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, देश में प्रगति शांति सब हो। इस हर्ष उल्लास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा महाकाल सब पर अपनी कृपा बरसाएं।
लाखों लोगों ने भगवान महाकाल से अपनी अपनी मन की कामनाएं मांगी है। लाखों लोग, हजारों लोगों ने भस्मार देखी, मन को श्रद्धा हुई, भावना अच्छे से हुई उनकी सारी। बाबा ने उनकी सभी मनो नए साल अच्छे से निकाले, पूरे साल अच्छे रहे, हर साल अच्छे रहे। आप लोग सारे देश में सभी उन्नति करे, अच्छे से रहे, बाबा महाकाल की नगरी में हमेशा खुश रहे। होने कारण नए साल की शुरुआत के कारण जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से करीब 350 जवान पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिक से अधिक सुगमता के साथ दर्शन कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। काफ़ी हद तक हर व्यक्ति जो है करीब 1.5 घंटे में दर्शन कर ले, ऐसी व्यवस्था की गई है। अभी तक करीब 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि पहले से उम्मीद थी कि ये संख्या नववर्ष से बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए पूरी मुस्तैद प्लानिंग किया गया और उसी के अंतर्गत उसका एग्जीक्यूशन किया गया। लगभग 11 बजे से ही लोग लाइन में लगने लगे थे और जो मेन लाइन है हमारी उसमें हमने लोगों 3 बजे से लेने लगे थे। प्लानिंग ये थी अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती में भस्म आरती के दर्शन कराए जाएं और मुझे लगता है पिछले 2 घंटे में लगभग 50,000 के ऊपर दर्शन किए हैं और लगातार लाइन आ रही है। लेकिन जो समय, जो सीमा है, जो समय लग रहा है वो किसी से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है और ये हमारे दिन भर की पूरी प्लानिंग है कि कितने भी श्रद्धालु हो जाएं। जैसे कि भस्म आरती के पश्चात जो हमने नई टनल बनाई है वो नई टनल में हमारी 5 से 6 लाइन चलेंगी और जो सीधे इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलेगा, रास्ते भर शू सेंटर या हो या पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय हो, और जब रास्ते से आप बाहर निकलेंगे दर्शन करने के पश्चात तो लड्डू प्रसादी के लिए 20-25 काउंटर बनाए गए हैं। रास्ते में जो पूरा दर्शन मार्ग है उसमें यदि कभी कंटिन्जेंसी में आवश्यकता पड़ती है तो पूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, सहायता केंद्र बनाए गए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में पुलिस और सिक्योरिटी डिप्लॉय किया गया है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।